हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो हरी मटर की रेसिपी आपने कई तरीके से बनाई होगी और खाई होगी, लेकिन आज हम हरी मटर की बिल्कुल यूनिक रेसिपी लेकर आए हैं जिसका नाम है मटर कलौजी। तो यहाँ पे देखिए, मटर की हरे मटर की कलौजी बनाएंगे, वो भी बिना छिलका उतारे। यहाँ पर हम देखिए बिना छिलका उतारे मटर लिए हैं, इसका छिलका हमने नहीं निकाला है। और मटर की जब भी कलौजी बनाए, मटर जो होने चाहिए बिल्कुल हरे हरे सॉफ्ट होने चाहिए, बिल्कुल कड़े से जो सूखे सूखे से मटर होने चाहिए नहीं होने चाहिए। यहाँ पे देखिए हमने एकदम फ्रेश एकदम सॉफ्ट दाने वाले मटर लिए हैं। तो इस तरह का मटर लीजिए जब भी कलौजी बनानी हो। तो यहाँ पे देखिए हमने करीब 1 पाव मटर लिया हुआ है, वो भी छिलका नहीं उतारा हुआ है। किसी भी चीज़ की कलौजी बनाते हैं तो उसमें सूखा धनिया और पचफोरन की जरूरत हमें पड़ती है, इसके बिना तो बन ही नहीं सकता है। तो यहाँ पे देखिए हमने थोड़ा सा सूखा धनिया लिया है और थोड़ा सा यहाँ पे पचफोरन लिया है। यहाँ पे देखिए कम से कम 8 से 10 हमने हरी मिर्च ली है, ये तीखी वाली हरी मिर्च है। आप चाहें तो कम या ज्यादा अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। हमने यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लहसुन लिया है, 8 से 10 लहसुन की कलियाँ हमने छील के ले ली हैं। तो चलिए बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हरे मटर जो लिए हैं, तो सबसे पहले हमें क्या करना है देख लेते हैं। तो हम एक मटर को इस तरह से उठाएंगे और देखिए अच्छे से हमने इसे साफ करके ले लिया है, इसे पानी से अच्छे से धुल ले और इसका साइड का जो ये छिलका वगैरह होता है इसे निकाल ले। और देखिए एकदम ये फिनिश हो गई, एकदम अच्छे साफ हो गई, फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी आई। इसके बाद ऊपर से हम इसे देखिए इस तरह से छीलेंगे। वैसे तो बहुत ही आसानी से छिल जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है इसे छीलने में। तो देखिए इसे छील लिया है हमने, तो इसके जो दाने हैं इसके दाने नहीं निकालेंगे, ऐसे ही हम खोल खोल के मटर को रख लेंगे। ऐसे ही दूसरा मटर के दाने छिलके को भी हम छील लेंगे, इसका ऊपर वाला ये छिलका ये निकाल लेंगे हम इस तरह से, देखिए साफ कर लेंगे। इसे भी हमने देखिए इस तरह से छील लिया है, एकदम साफ एकदम ताजी मटर लीजिए। इसका ये वाला जो पार्ट है डंडी में ये निकाल लेंगे तो ये साफ हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हम छील छील के इसे पहले मटर के दाने को हम खोल लेंगे बहुत सावधानी से। तो देखिए इस तरह से हम इसे खोल लेंगे, ऐसे हम बाकी की भी कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी मटर का ऊपर का जो डंठल वाले हिस्से में जो छोटे मोटे सूखे से पत्ते होते हैं वो सभी मटर में होते हैं। देखिए अच्छे से हमने देखिए छिलके को अच्छे से यहाँ से देखिए साफ कर लिया है और इस सभी मटर को हमने इस तरह से खोल लिया है। जैसे सभी कलौजी को हम बीच से फाड़ के मसाले भरते हैं, यहाँ पे हम दूसरे तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा बनाने का तरीका होगा जो बिल्कुल सेम होगा, लेकिन यहाँ पे कलौजी जो है वो दूसरी चीज़ों की है। तो यहाँ पे देखिए सभी मटर को हमने अच्छे से खोल लिया है, सारे मटर देखिए दाने इस तरह से खोल लिया है। तो अब बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा ली है, तो कढ़ाई में हम डालेंगे सबसे पहले हम धनिया को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, क्योंकि कलौजी बनाते वक्त पचफोरन जल्दी भुन जाते हैं, धनिया थोड़ा सा पचफोरन से थोड़ा लेट होता है भुनने में। तो यहाँ पे देखिए धनिया को हम हल्का सा रोस्ट कर लेंगे सबसे पहले 1 से 2 मिनट का, गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे ताकि जो धनिया और पचफोरन है वो जलने ना पाए, नहीं तो कलौजी जो है वो कड़वा कड़वा सा लगता है। मसाले को हमें जाना ज़्यादा नहीं भूनना है, इसमें अच्छी सी महक आने लगेगी जब धनिया भून जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट तक हमने भून लिया है, उसके बाद हम यहाँ पे डाल रहे हैं पचफोरन। पचफोरन को भी हम 2 से 3 मिनट तक भून लेंगे धनिया के साथ, दोनों चीज़ों को यहाँ पे देखिए हम भून लेंगे। तो आने के पचफोरन को भी हमने भून लिया है, उसके बाद इसी में हम हरी मिर्च डाल देंगे और लहसुन भी डाल देंगे। इन सब चीज़ों को भी हम हल्का सा भून लेंगे, कलर चेंज नहीं करना है, हल्का सा भूनना है। तो अब गैस को हम कर लेंगे बंद और इन मसालों का हम पाउडर बना लेंगे। तो यहाँ पे देखिए पचफोरन और धनिया हमने डाल दिया है, इसी में हम हरी मिर्च और लहसुन जो एक साथ सब कुछ भुने हैं उसे भी डाल देंगे और इसे हम पीस लेंगे, सभी चीज़ों को हम एक साथ पीस लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी चीज़ों को हमने पीस लिया है बिल्कुल बारीक, हमने एकदम महीन पीसा है इसे। तो सबसे पहले हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। यहाँ पे देखिए मसालों को हमने निकाल लिया है, तो इस मसालों में हमें 2 चीज़ और ऐड करना है। तो इसमें डालेंगे आमचूर पाउडर, बहुत ज़रूरी है जब भी कलौजी बनाएं आमचूर पाउडर जरूर डालें, इससे कलौजी खट्टी सी लगती है, बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। और इसमें हम 1/2 चम्मच नमक डाल रहे हैं क्योंकि मटर जो है वो गल जाएंगे, उनका छिलका जो गल जाएगा, तो मटर ज़्यादा न डालें, नमक मतलब ज़्यादा न डालें। अब दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो नमक और आमचूर डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा
मसाले के हिसाब से थोड़ा सा तेल डालें ताकि जो मसाले वो हल्के से गीले हो जाएंगे, तो पानी यूज नहीं कर सकते हम। तो यहाँ पे देखिए हम थोड़ा सा सरसों का तेल डाले हैं, आप चाहें तो रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हैं। मसालों को हम हाथों से अच्छे से मसल मसल के मिक्स कर लेंगे इस तरह से। देखिए तो यहाँ पे देखिए मसाले जो अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए मसाले जो हमने तैयार कर लिए, उसके बाद हम मटर लेंगे, इस मटर को हम एक साइड कर देंगे। उसके बाद एक मटर को उठाएंगे, जैसे कि हम किसी भी भरवा जब कोई भी कलौंजी बनाते हैं उसमें मसाले भरते हैं, तो ध्यान से देखिए इस तरह से एक मटर लेंगे। कलौंजी का मसाला आगे करते हुए हम थोड़ा थोड़ा इस तरह से देखिए इसमें भर देंगे। बहुत ही अच्छे कलौंजी लगते हैं, इन्हें दाल चावल के साथ खाइए या दाल रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए हमने मसाले भर दिए हैं एक में, ऐसे ही दूसरा मटर भी उठाएंगे इनका। आप देखिए इस तरह से मुंह खोलेंगे और इसमें मसाले भर देंगे, जितने मसाले भर सकते हैं भर देंगे। तो ये देखिए बहुत आसानी से भर आ जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा। ऐसे ही देखिए तीसरे मटर भी उठाएंगे, इसमें मसाले भर देंगे। मटर बस जब भी लें सॉफ्ट होने चाहिए, सॉफ्ट दाने के मटर होंगे तो ऊपर से छिलका भी होता है, नरम होता है, तो गलने में उसके बाद फिर खाने में जो मज़ा आता है ना, बहुत ही अच्छा लगता है। बहुत ही यूनिक रेसिपी है, इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिएगा। देखिए मसाले भर दे रहे हैं एकदम अच्छे से, ठीक ठाक से मसाले भर रहे हैं, ऐसे हम सभी में भर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए सभी मटर के दाने सहित हमने यहाँ पे कलौंजी के मसाले जो है अच्छे से भर दिए हैं बिल्कुल। तो अब इन्हें बनाने के प्रोसेस में चलते हैं। यहाँ पे देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा ली है, तो कढ़ाई में सबसे पहले हम डालेंगे सरसों का तेल। कलौंजी सरसों के तेल में ही अच्छा लगता है, तो ज़्यादा हम नहीं डालेंगे यहाँ पे, थोड़ा सा ही तेल डाल रहे हैं। तो यहाँ 2 बड़े चम्मच से हम 2 चम्मच तेल डाल रहे हैं। अब तेल को डालने के बाद कढ़ाई को अच्छे से हम इस तरह से देखिए हिला लेंगे, ताकि तेल जो है सभी तरफ अच्छे से फैल जाए। तो यहाँ पे देखिए कढ़ाई का तेल हमने अच्छे से हिला लिया। उसके बाद जो कलौंजी हमने तैयार की है उस कलौंजी को भी हम डालेंगे। अब इन्हें हम चलाएंगे बिल्कुल नहीं, इन्हें हम कम से कम मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट तक ढक देंगे, उसके बाद ही हम इन्हें चलाएंगे। तो इन्हें हम देख लेते हैं, तो 2 मिनट हो गए हैं। तो हम देख लेते हैं कि हमारी जो मटर की कलौंजी वो अच्छे से पकी हुई है। तो ये देखिए उसमें 5 मिनट के अंदर ये अच्छे से पक गए हैं। इन्हें हम निकाल लेते हैं सर्व करने के लिए, गैस को कर लेंगे बंद। तो ये देखिए हमारी जो मटर की कलौंजी कितनी अच्छी बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। हम दूसरा भी दिखाते हैं आपको, ये देखिए बनी है ना बहुत ही अमेजिंग। ये देखिए कितनी अच्छी मटर की कलौंजी बनी है। तो इस तरह से हम सभी को निकाल लेंगे। तो ये देखिए मटर की कलौंजी बनके बिल्कुल तैयार है, कि कितनी अच्छे से हमने मसाला वगैरह भरा, कितनी अच्छे से बनी है ये, बहुत ही अच्छी बनी है। और सभी में देखिए अच्छे से मसाले भी समझ में आ रहे हैं कि हमने भरा है। और इसे अच्छे से फ्राई करिए, बस यही कि जो मटर होने चाहिए उसके दाने सॉफ्ट होने चाहिए और उसका छिलका भी सॉफ्ट होना चाहिए, तभी हमारे जो ये कलौंजी है मटर के एकदम अच्छे सॉफ्ट बनेंगे। इन्हें दाल चावल के साथ खाइए, दाल रोटी के साथ खाइए, बहुत ही अच्छे लगते हैं। अगर सब्जी ना खाने का मन हो तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर करिए, मात्र 10 मिनट में बनके तैयार हो जाते हैं ये। अगर हमारे वीडियोज़ अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलिए, हो सके तो ज़्यादा शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली रेसिपी में, थैंक यू, बाय बाय।
है।